अस्सलाम दोस्तों, मैं हूं आमिर और आज मैं आपके लिए हायर 110 इन्वर्टर एसी का रिव्यू लाया हूं। इसका एग्जैक्ट मॉडल है 12SNM और ये प्रॉबली 2019 का मॉडल है, हायर 110 इन्वर्टर एसी। तो इसके ऊपर जी इसकी कंजम्पशन भी चेक करेंगे और इसकी कूलिंग भी चेक करेंगे। ये जिस रूम में लगा हुआ है उसका रूम का साइज़ है 12x13 फुट। दोस्तों इसके स्पेक्स की बात कर लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसके जो स्पेसिफिकेशंस हैं उसमें मेजर चीज़ होती है वो तो BTUs होती है और वो नॉर्मली हर 110 AC की 12,000 होती है। लेकिन इसमें आप देख सकते हैं कि जो एयर फ्लो वॉल्यूम है वो 750 है। जो नॉर्मली 110 के ACs आते हैं उनमें जो एयर थ्रो होती है, जो एयर फ्लो वॉल्यूम से रिप्रेजेंट की जाती है, वो नॉर्मली 650-700 होती है और इस एसी में ये 750 है। और केनवुड जिसका मैंने भी रिव्यू किया है वो है 950 मीटर की, वो 1.5 टन के भी कुछ एसी से ज़्यादा है। उसकी 1238S जो आजकल मॉडल चल रहा है मार्केट में, उसकी वो 950 है, इसकी 750 है। और इससे पहले जो मैंने एक और ग्री का 110 का इन्वर्टर का एसी की रिव्यू किया था उसकी वो 650 थी। जी दोस्तों, एसी को करते हैं ऑन और ये देख सकते हैं आप कि एसी को मैंने कर दिया है 25 पे। इसको टेस्ट करेंगे, बल्कि 26 पे करते हैं क्योंकि यही एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर आपको इन्वर्टर एसी को चलाना चाहिए और दूसरे एसी को भी इसी टेम्परेचर पे चलाना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इसमें हमने 26 पे इसको सेट कर दिया है। मॉडल और कमरे का साइज़ मैंने आपको बता दिया है और इस पर आप देख सकते हैं फ़िलहाल इसका जो कंप्रेसर है वो स्टार्ट नहीं हुआ। जी तो दोस्तों, इसका कंप्रेसर अब स्टार्ट हो गया और करंट जो है वो इंक्रीज करना शुरू कर दिया इसने। और मैंने इसका जो है वो टर्बो मोड भी ऑन कर दिया ताकि ये चेक हो सके कि ये मैक्सिमम करंट कितना लेता है 26 टेम्परेचर के ऊपर। अगर टर्बो मोड से आप ऑन करें और आप ये देखना चाहते हो कि ये जल्दी से रूम ठंडा करने में जो अपनी फुल कैपेसिटी से जान लगाएगा उसके अगेंस्ट ये कितना करंट ड्रॉ करेगा, ये हम चेक करेंगे। अभी तक जो करंट पहुंच चुका है वो है 3.1 तक पहुंच गया, अभी इंक्रीज कर रहा है करंट। कूलिंग की बात करें तो मैंने ग्री का भी चेक किया है, केनवुड का भी रिव्यू किया है। इसकी कूलिंग जो है अगर उनसे कंपेयर की जाए तो 100% सेम तो नहीं है, लेकिन आप 90% सेम समझ सकते हैं, अबव देन 90%, बट नॉट एग्जैक्टली सेम एज केनवुड 1238S एंड ग्री, जो उसका ग्री का जो 110 का मॉडल है फेरी सीरीज़ का 12FITH, उनसे इक्विवेलेंट नहीं है, लेकिन आप समझ लें कि 9 out of 10 इसकी कूलिंग है। टर्बो मोड पे ऑन किया हुआ है और इसके करंट अब तक पहुंच गया 4.9, 5 से भी ऊपर जाने वाला है। जो ग्री 12FITH जो मॉडल था उसके रिव्यू के अंदर हमने ये देखा था कि टर्बो मोड के ऊपर वो 110 का एसी जो है वो मैक्सिमम 5.1 एम्पेयर तक जाता है। तो इसको हम चेक करेंगे कि ये मैक्सिमम टर्बो मोड के ऊपर 6 एम्पेयर के अराउंड अभी तक जा चुका है, 5.96। और जो केनवुड है 1238S 110 का जो मॉडल है वो जाता है मैक्सिमम 4.2-4.3 एम्पेयर तक, क्योंकि वो 75% एनर्जी सेविंग के साथ है। हायर ये
इसको कंसिडर करता है 67% सेविंग के साथ। तो इसको आज हम चेक कर लेते हैं कितने कितने मिनट्स में ये कमरे को 26 टेम्परेचर पे लाता है। आज इस्लामाबाद का टेम्परेचर जो है वो काफ़ी इंक्रीज़ हो चुका है और नियरली जो है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब है आज टेम्परेचर। अच्छा जी, ये देखें कि अब तक एम्पेयर जो पहुंच चुके हैं वो 6.5 तक पहुंच चुके हैं। दिस इज़ अ बिट हायर कंजम्पशन अगर आप 1 टन के एसी के को कंसिडर करेंगे। तो 6.74 एम्पेयर जो है वो 1 टन के एसी के लिए काफ़ी ज़्यादा हैं। वायरिंग का मैं आपको साथ में एक्सप्लेन कर दूं, ये इसकी जो एसी की वायर आ रही है ये मैंने अपनी डायरेक्टली अपने एक्सटेंशन में लगाई है और फिर वो जो एक्सटेंशन है उसके बीच में मैंने ये एमीटर लगाया। 6.8 हो गए जी मैक्सिमम एम्पेयर्स और टर्बो मोड पे चल रहा है। तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं, कूलिंग काफ़ी अच्छी है, एयर थ्रो भी ठीक है। जी दोस्तों, एसी को टर्न ऑन किए हुए मुझे तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं और जो मैक्सिमम करंट अभी तक पहुंचा हुआ है इस 1 टन के इन्वर्टर एसी का वो पहुंच चुका है 7.07 एम्पेयर के ऊपर है और 26 पे चल रहा है टर्बो मोड के ऊपर। कूलिंग अच्छी है काफ़ी। जी दोस्तों, तकरीबन 12-13 मिनट के बाद इसके एम्पेयर्स कम होना शुरू किए हैं और अब आ चुके हैं तकरीबन 6.1 एम्पेयर तक आ चुके हैं। अभी ये मज़ीद कम होगा, मैं टाइम बाय टाइम आपको वीडियो में दिखाता रहूँगा। अभी तकरीबन 15 मिनट के बाद भी इसका जो एम्पेयर है वो 6.1 ही है। उसकी एक वजह यह है कि अभी तक इस कमरे का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन नहीं हुआ। उसकी एक वजह यह भी है कि ये रूम जो है यहाँ से ओपन है, यहाँ पे इस जगह पे अगर कर्टन होता जो ये कबर्ड वाली जगह है और ये वॉशरूम वाली जगह, इस जगह पे अगर एक कर्टन होता तो ये रूम जल्दी ठंडा हो सकता था। जी तो दोस्तों, तकरीबन 20 से 22 मिनट हो चुके हैं एसी को चले हुए 26 के ऊपर टर्बो मोड के ऊपर। अब आके इसके एम्पेयर्स हैं वो कम होना शुरू हुए हैं और अब हम इसके मिनिमम करंट को भी चेक कर लेते हैं। तो ये अब तक जो है वो तकरीबन आ गया है 2.8 तक आया हुआ है और इससे मज़ीद इसको कम आना चाहिए। सो लेट्स वेट फॉर अ वाइल, ये कितनी देर में मज़ीद, अभी तक 25 मिनट हो चुके। जी तो दोस्तों, मैंने काफ़ी देर वेट किया और आई फाउंड आउट के 26 टेम्परेचर के ऊपर ये हायर का जो 1 टन एसी है ये मिनिमम अपने 2.85 के अराउंड ही रहता है आफ्टर मेंटेनिंग द रिक्वायर्ड रूम टेम्परेचर। तो इट इज़ अ बिट हायर देन हायर कंजम्पशन देन द अदर टॉप ऑफ द लाइन एसीज ऑफ ग्री एंड कैनवुड, जो कि कैनवुड में 1238S है मॉडल जिसकी बेहतरीन कंजम्पशन पे अच्छी कूलिंग है, और जो ग्री का टॉप ऑफ द लाइन मॉडल है 12FITH जो फेरी सीरीज़ का है, उन दोनों से इसको अगर कंपेयर किया जाए जो इसका जो लेटेस्ट मॉडल है
वो भी HF AA है, जो 12 HSU HF AA हायर में। वो भी मोर लेस जो उसकी भी मैं वीडियोस देखी थी, उसमें भी कंजम्पशन थोड़ी सी हायर ही थी, मतलब थोड़ी सी ज़्यादा कंजम्पशन है इसकी। कूलिंग भी थोड़ी सी कम है। सो मेरा जो कंक्लूजन है वो ये है कि इफ़ यू आर गोइंग फॉर 1 टन AC और आपका रूम का साइज़ जो है वो 12 बाई 13 तक है, इससे ज़्यादा नहीं है, तो आप 1 टन के AC में उन 2 ACs को कर सकते हैं कंसिडर, जो कि ग्री और कैनवुड में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। सो वीडियो को करते हैं जी कंक्लूड। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।